Hi friends, welcome back to our channel Kids World. I hope you all are safe. Friends, इस समय COVID-19 चल रहा है, तो आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। अपने बच्चों को कोरोना के बारे में समझाएं, उन्हें डराएं नहीं, और हाँ, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाए। फ्रेंड्स, अब इस कोरोना के कारण हम सब अपने घर में बंद हैं, बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और साथ ही साथ हाउस होल्ड वर्क यानी कुकिंग तो सब चल ही रही है, या यूं कहें कि वह बढ़ गई है। अब ये सब काम करते हुए हमें कभी कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है, या यूं कहें कि छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट होते रहते हैं कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब ऐसे छोटे मोटे इंजरीज को लेके हम डॉक्टर्स के पास तो जाएंगे नहीं, और अगर जाना भी पड़ा तो उससे पहले हम घर में फर्स्ट एड लेंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी इंजरीज को भी टाइम पे क्योर करना बहुत जरूरी है, वरना यह भी बहुत बड़ी बन सकती है। जैसे कि आजकल की सिचुएशन है, कभी जॉब के कारण या फिर कुछ पर्सनल रीजंस के कारण हम लोग मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज में ही रहते हैं, और जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो थोड़ी सी भी चोट लगे तो ये लगता है कि काश कोई दवाई लगा देता तो कितना अच्छा होता, या फिर और कुछ नहीं तो कम से कम अलमारी से वह दवाई निकाल के ही ला देता। क्योंकि कहते हैं ना कि दवाई के साथ साथ अगर प्यार और अपनापन हो तो चोट जल्दी हील हो जाती है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज है तो सबसे पहले हमारे हेल्पर्स बनते हैं हमारे बच्चे। जी हाँ, आज हम यही जानेंगे कि हम अपने टोडलर्स को फर्स्ट एड की नॉलेज कैसे दे सकते। वैसे भी आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें थोड़ी सी ज्यादा सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, अपनी भी और अपने बच्चों को भी। फर्स्ट एड को समझाने के लिए हमें अपने घर में एक ऐसी अलमीरा या फिर एक ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए जिसमें जनरल मेडिसिन और कुछ रेगुलर यूज होने वाला सामान रखा जाए, और ये अलमारी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो पूरे घर के सभी मेंबर्स की रीच में। लेकिन
इस अलमारी को बनाते समय आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो क्रॉल करते हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है तो इस अलमीरा को लॉक करके रखें, या फिर अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो इस बॉक्स को बच्चे की रीच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को हर चीज मुंह में डालने की आदत होती है, तो ऐसा ना हो कि कहीं वह कोई मेडिसिन अपने मुंह में डाल ले, एंड दिस कैन बी रियली डेंजरस। हमें सबसे पहले अपने टोडलर्स को इस फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताना होगा, समझाना होगा, और साथ ही इसमें रखी गई चीजें जैसे जनरल मेडिसिन, सीजर, बैंडेज, इन सब चीजों की पहचान करवानी होगी। हमने भी अपने बच्चे को इन सब चीजों की पहचान करवाई है। आइए देखते हैं। बेटा फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन करो। गुड। अभी थर्मामीटर निकालो। कहाँ है? यस, ये है। सीधा करके दिखाओ। वेरी गुड। अभी रख दो। अब आप कॉटन निकालो। कॉटन, यस, वेरी गुड। अब आप डॉक्टर टेप निकालो। अरे वाह, बिल्कुल ठीक। अब आप मेडिसिन निकालो, बीटाडीन, यस यस, बिल्कुल ठीक। सीधा करो। वेरी गुड। अब हम डेटॉल निकालेंगे। वेरी नाइस। रखिए इसको। अब हम सीजर्स निकालेंगे। चलो इसको भी साइड में रखो। अब बैंडेज निकालो। बैंडेज दूसरी साइड में देखो। यस, वेरी गुड। अब बैंडेड निकालो। इसको ओपन करके दिखाओ। वेल डन। अब हम ऑइंटमेंट निकालेंगे। यस, कीप इट साइड। अब आयोडेक्स निकालो। वेरी गुड, रख दो। अब मेडिसिन निकालो, डिस्प्रिन। शो इट। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी रख दो साइड में। ये भी क्या है? बैंडेड। इसको भी ओपन करके दिखाओ। सीधा करो। वेरी गुड, कीप इट साइड। आइए अब हम पहले वाले माइनर एक्सीडेंट्स के वीडियोस को पूरा देखते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ।
प्लीज हेल्प। लग गई चिल्लिया, कोई है प्लीज हेल्प। तो देखा आपने, ये छोटी छोटी सी बातें लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। फ्रेंड्स, यू हैव ऑलरेडी सीन कि हमने यहाँ पर बहुत ही बेसिक मेडिसिन्स रखी हैं और बहुत ही सिंपल सा सामान रखा है जैसे सीजर और बैंडेज, क्योंकि हमारा मोटिव हमारे टोडलर्स को सिर्फ फर्स्ट एड का बेसिक समझाना है। वैसे भी अब हमारे टोडलर्स इतने बड़े हो गए हैं कि अगर ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस आए तो वह हमारी हेल्प कर सके। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। बाय।